हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और दोस्तों, सब खैरियत से हैं कि नहीं? आज काफ़ी टाइम बाद हमने फिर से अपने गोप्रो को निकाला है और सोचा चलेंगे मोटो व्लॉगिंग करेंगे। भाई लोग चिल करते हुए जा रहे हैं, बढ़िया रिएक्शन मिलता है कि नहीं गोप्रो से। सबसे पहले बाइक को फ्यूल करवाएंगे, फ्यूलिंग करवा लेंगे यहाँ पे, फिर सीधे चलते हैं हुसैनाबाद। और बाइक के बारे में भी आज आप लोगों को बताएंगे थोड़ा सा, 220 लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए 2023 में, क्योंकि ये 2007 या 8 की बाइक है, 2007 में लॉन्च हुई थी इंडियन मार्केट में, और तब से इंडिया की फेवरेट बाइक है ये 220। और मेरे पास जो मॉडल है ये तो BS3 है। भाई 100 रुपये का। सेट कर दिएगा, ये छोड़ दिएगा। कैमरा लगा था? हाँ भाई, कैमरा लगा हुआ है। है? ये चालू है भाई, वो दिख नहीं रहा है लेकिन ऑन है, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है चाचा की। बजाज के वेबसाइट पे जाके आप लोग चेक भी कर सकते हैं, इंडिया की लेजेंडरी बाइक है पल्सर 220। इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट बाइक का रिकॉर्ड इसी के नाम था, जब तक कि कोई भी बाइक इंडिया में लॉन्च नहीं हुई थी। NS बाद में आई, RS बाद में आई, R15 बाद में आई, करिश्मा ZMR चलती थी। जब 220 लॉन्च हुई तो करिश्मा वालों ने बाइक सेल्स उनकी कम हो गई, उनकी बाइक ही नहीं बिक रही थी, तो इस वजह से 220 इतना बिकती थी, हर रोड पे 220 का जलवा दिखता था। और फिर उसके बाद NS निकाली 220 को बंद करने के लिए, फिर उसके बाद NS आई, तब भी 220 का क्रेज़ था। फिर उसके बाद RS को इसीलिए लॉन्च किया था 2015 में कि RS को लॉन्च करेंगे, 220 को बंद कर देंगे, डिसकंटिन्यू, तब भी 220 का जलवा बना रहा। फिर बाद में डिसकंटिन्यू कर दी, N160 आ गई, N150 आ गई, F250 आ गई, N250 आ गई, सारी बाइकें लॉन्च हो गई, 220 को डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन पब्लिक की डिमांड थी पल्सर ही चाहिए 220, तो इस वजह से कंपनी वालों को लॉस होने लगा अच्छा खासा, तो इस वजह से 220 को उन्हीं ने फिर से लॉन्च किया। और आज भी ये फेवरेट बाइक है इंडिया की। पहले 2007-08 में जब ये रोड पे निकलती थी तो कितने सारे लड़कों की ड्रीम बाइक थी 220। सब सोचते थे कि 220 मिल जाए, काश हमें, हम भी यही सोचते थे लेकिन छोटे बहुत थे उस टाइम पर। टाइम आया, धीरे धीरे मिल गई 220। रूमी गेट के पास हुसैनाबाद में है और यहाँ पर फ़ोटो शूट वगैरह भी होता है, DSLR से लोग फ़ोटो शूट करते हैं। और भाई खैरियत? हमने तुम्हें देख लिया था उधरी से, हम जा रहे थे सीधे, भी हम मोड़ के आए तुम्हारे पास भाई। हाँ भाई, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। है बढ़िया भाई, एक नंबर है। सब आ रहे हो भाई, सब लोग आ रहे हैं। हाँ भाई, अपलोड करेंगे भाई वीडियो, आज ही करेंगे भाई। थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना दोस्तों, बताना कैसी है बाइक, कैसी नहीं है। और अगर आप लोगों को भाई 30 से 35 हज़ार में 220 मिल रही हो BS3 मॉडल, तो आप लोग भाई देर ना करो, फ़ौरन ले लो, क्योंकि इससे अच्छी बाइक आप लोगों को मिल ही नहीं सकती है। RS हो गई, NS हो गई और 220 हो गई पल्सर की, ये सब जो है बहुत ज़्यादा सेलिंग वाली बाइक है इंडिया, मतलब इंडियन मार्केट में भाई रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा है इन लोगों की, और नाम से बिक जाती हैं समझिए। और चलिए अभी हम आपको लेके चलते हैं अपनी बाइक के बारे में, और नॉलेज देंगे, आप लोग वीडियो में एंड तक के बने रहिए। फैन मिल गए, ये फ़ैन मिल गए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाई बोल दो दोस्तों, देखिए हाई बोल रहे हैं आप लोगों से। भाई चैनल को डालो मेरे MT Vlog 1998, तुम लोग की वीडियो आएगी यूट्यूब पे, और लाइक करना, शेयर करना, सबको सेंड भी करना। बाइक से अपनी घूम फिर लेते हैं बढ़िया सा, एक राउंड मार देते हैं यहाँ का।
व्लॉग को मेरे देखते रहना एंड तक के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। अभी डायरेक्ट यहाँ से एंट्री मारेंगे घंटा घर के अंदर। हाँ ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचा है, यहाँ से चढ़ा देंगे। चढ़ गई भाई। ये देखिए सब यहाँ पे घूमने फिरने आए, अभी यहाँ पर घंटा घर में आए और यहाँ बहुत बढ़िया सीन हो रहा है, बढ़िया सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, रिएक्शन बहुत बढ़िया मिल रहा है क्योंकि गोप्रो है अपने पास। हाँ व्लॉगिंग कर रहे थे भाई, चल रही रिकॉर्डिंग चल रही है। गोप्रो 51,500। हाँ भाई भाई ऐसे थोड़ी ना दिखेगी वीडियो, फोन में लेनी पड़ेगी वीडियो। अच्छा डिस्प्ले में नहीं दिखेगी? डिस्प्ले पे थोड़ी ना दिखेगी। यहाँ पर कोई चिकन शॉर्मा बेचता है लड़का, आज़ाद नाम है, लेकिन इस टाइम शायद लगाए नहीं है। यहाँ पर पता करते हैं चिकन शॉर्मा कितने का है। भाई चिकन शॉर्मा कितने का है? 40 का है? 40 वाला दो भाई। हाँ एक दे दो, बढ़िया सा बना। ये क्या पहले ही से बना रखा था? पहले बना के रख लेते हो क्या? नहीं भाई अभी बनाया, अभी बनाया है। मजे का है ना चिकन शॉर्मा की, हम आपको क्या बताएं, बहुत लाजवाब है। ये लखनऊ के हुसैनाबाद में मिलता है और आप लोग भी आइएगा इनके वहाँ टेस्ट करिएगा, बहुत लाजवाब है। 40 का है, 50 का है और 70 का है, तो हमने 40 वाला लिया है लेकिन बहुत बेट लिया। चिकन शॉर्मा बहुत लाजवाब बना था। और चलिए फिर अब बाइक को स्टार्ट करते हैं, कोई अच्छी सी जगह देख के रोकेंगे बाइक को अपनी। यहाँ पर तो मैच हो रहा है, बहुत लोग आते हैं यहाँ घूमने फिरने, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं लोग। ये जगह सबसे बेस्ट है, यहाँ पे रोकेंगे अपनी बाइक को और यहाँ से पूरा व्यू आप लोग को देख पा रहे होंगे कितना बेहतरीन। ये देखिए फायर शॉट मार रहा है, बुलेट है, बुलेट की रेड़ मार रहे हैं ये लोग। दोस्तों ये है मेरी बजाज की पल्सर 220 और काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई, तो देख रहे हैं यहाँ पर से लीकेज दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा इंजन पर भी धूल मिट्टी जमी हुई है और ये साइलेंसर भी थोड़ा सा यहाँ से निकल रहा है, शायद टूट फूट गया है कुछ, सब सही करवाएंगे। यहाँ पे हमें ब्रेक शू लगवाना है यहाँ पर, और आप बाइक की कंडीशन देख सकते हैं 220 की, और 2023 में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए 220 आप लोगों को, या आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताओ। और अगर आप लोग कहेंगे बाइक का माइलेज टेस्ट की वीडियो, तो हम इसमें 1 लीटर पेट्रोल डलवाएंगे और पूरा 1 लीटर से हम बताएंगे आपको कितना माइलेज दे रही है मेरी बाइक, जितनी पुरानी होने के बाद भी, 10-12 साल पुरानी हो गई उसके बाद भी कितना माइलेज देती है अभी ये। अभी इसको हम सोच रहे हैं पूरा मॉडिफाई करवा देंगे, क्योंकि आगे का मैट गार्ड टूट गया है वो लगवाना है पहिए के पास, और इसमें पूरा स्टीकर लगवाएंगे बढ़िया, हॉर्न इसका थोड़ा सा चेंज करवाएंगे, लाइटें वगैरह सोच रहे हैं इसमें लगवाएंगे, हाइलोजन बल्ब LED वाला। तो आप लोगों को अगर 220 पसंद हो तो कमेंट करो दोस्तों, और 2023 में अगर आप लोगों को 220 कोई मिल रही हो 20 से 30 हज़ार रुपये की, तो आप लोग भैया देर ना करो फौरन ले लो, क्योंकि 20 से 30 हज़ार रुपये में भाई आपको 220 मिल जाएगी, 220 cc स्पोर्ट बाइक, इंडिया की लेजेंडरी बाइक। मेरी बाइक का मीटर भी आप लोग देख सकते हैं, सब कुछ एकदम सही है, एकदम ओके। और 220 में जो अब आ रही है उसमें तो आप लोगों को लाइट बंद करने का ऑप्शन नहीं, उसमें तो लाइट बंद करने का ऑप्शन भी है, ऑन करने का भी है ऑप्शन। अब तो BS6 आ गई है, BS7 आ गई, उसमें तो लाइट परमानेंट ऑन रहती है, जैसे ये आ रही है अपाचे सामने से, इसमें भी देखिए लाइट ऑन है, और लेकिन 220 में ऐसा नहीं, इसको बंद भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। साइड इंडिकेटर का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर आप लोगों को, ये देखिए ये इंडिकेटर का ऑप्शन हो गया है, न्यूट्रल का है, और अपर डिपर पास देने का ऑप्शन है बाइक के अंदर, पास देने वाला ऑप्शन है। और इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं
जो किसी और बाइक में जल्दी आपको नहीं मिलेंगे देखने के लिए। अगर इंडिकेटर हम जला के अगर हैंडल मोड़ेंगे ना, जिधर का इंडिकेटर जलाएंगे उधर हैंडल मोड़ेंगे तो अपने आप ही इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा बाइक के अंदर। तो ये सब फीचर्स आपको मिल रहे हैं बाइक के अंदर। तो भाई देर ना करो, ले लो फटाक से 220, बहुत बढ़िया बाइक है। अभी तो घंटा घर पे हैं, यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है, भाई लोग फोटो शूट कर रहे हैं और आप लोग व्लॉग में बने रहना दोस्तों, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अपाचे में देखिए एक भाई जा रहे हैं, हाय कर दो भाई। भाई ये चैनल पे देखो व्लॉग आएगा, देखना है ना। देखो भाई लोग भी आ गए अपना अपाचे लेकर, भाई लोग भी फ़ोटो शूट वगैरह करने आए थे यहाँ पर। भाई ये रात को होता है ना लाइट शो, ये लाइट शो भी यहाँ पर रात को होता है, संडे के दिन होता है सिर्फ। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें। तो अब यहाँ से घंटा घर से निकलते हैं बाहर और थोड़ा सा मोटो व्लॉग भी करते हैं, क्योंकि आज मोटो व्लॉग बिल्कुल नहीं किया हमने। मोटो व्लॉगिंग के नाम पे सिर्फ व्लॉगिंग करी है हमने। यहाँ पर क्राउड इतना आता है, आज संडे छुट्टी का दिन है तो आज तो बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये देखिए फ़ोटो शूट हो रहा है, DSLR से फ़ोटो शूट कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं बाइक अपनी यहीं से उतारें नीचे, बाइक उतारने के लिए कुछ जगह वगैरह मिल जाए बढ़िया। यहीं से हमने बाइक अपनी चढ़ाई थी ऊपर, यहीं से उतारेंगे। बाइक उतार ली हमने अपने बढ़िया नीचे, फर्स्ट क्लास एकदम। ये रोड जो है ना, ये रोड बहुत ख़राब लगती है। इस रोड से हमको इतनी ज़्यादा चिढ़ है, इतनी ज़्यादा चिढ़ है कि हम बता नहीं सकते आपको। गाड़ी चलती है ना, लगता है यूँ डांस कर रही है। पीके पिक्चर में देखा था डांसिंग कार, वैसे ही ये डांसिंग बाइक बन गई है। ये कहो कि बाइक में पता नहीं चलता, अगर स्कूटी हो तो पेट की आते हिल जाए आते। ये पुराने लखनऊ को देख के बनाया गया है, राजा महाराजा के ज़माने में जैसे हुआ करते थे ये वैसे हैं यहाँ पर के रोड। लखनऊ में आप लोग भी आइए, यहाँ पे विज़िट वगैरह करिएगा, अगर कभी टूर करिएगा तो आपको सबसे ज़्यादा ख़राब तो यहाँ के रोड लगेंगे ये वाले, ख़ास करके पुराने लखनऊ के। ये देखो भाई अभी भी फ़ोटो शूट कर रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है। ये DSLR लेगा, इंसान खड़ा हो जाओ पैसे कमाता रहे, सिर्फ फ़ोटो खींचता रहे, 20 रुपये 30 रुपये। लोग वीडियो बनवाने के 100 रुपये देते हैं इसको। और ये टूरिस्ट प्लेस है यहाँ, इतने फ़ोटो वोटो लोग खिंचवाने आते हैं, इतनी वीडियो बनवाते हैं। और किस किस ने Tiger 3 मूवी देखी, देखी आप लोगों ने या नहीं देखी Tiger 3? ये देखिए लड़की को बैठाए हुए है बीच में, एक आगे बैठा हुआ है एक पीछे बैठा हुआ है। चलो इनको भी थोड़ा सा टोचा देते हैं। पावर ऑफ 220 हाइपर राइडिंग। कैसा लगा साउंड बाइक का आप लोगों को मेरी? अभी तो यहाँ पर भीड़ भाड़ है, वरना 100 तो पार ही कर देते हैं। ₹118-119 गई है नदवे पे। अगर नदवे वाली रोड पे भीड़ ना होती ना तो 130-140 खींच देते इसको। यहाँ लग रहा है मेला लगने वाला है, मेला ये लगने वाला है या कोई पूजा है, पूजा वगैरह है यहाँ पर। दिवाली हो गई, हमें लग रहा है कोई और त्यौहार है या कोई पूजा हुआ है, पूजा वगैरह है।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब मारो जल्दी से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।